नमस्कार, बोकारो सिटी थाना अंतर्गत कोऑपरेटिव कॉलोनी के प्लाट संख्या 354 में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मकान मालिक पर उसके मकान में किराए पर रहने वाली महिला पूजा शर्मा ने घर में ही रहने का बंधक बना कर रहने का लगाया है आरोप। किराए पर रहने वाली महिला पूजा शर्मा का कहना है कि वह लगभग 38 से 40 वर्षों से इस किराए के मकान में रह रही हैं। साथ ही कहा कि मेरे पिताजी के देहांत के बाद मैंने बोकारो में दूसरी जगह फ्लैट ले लिया है। कल जब मैं किचन का सामान लेकर अपने फ्लैट में जा रही थी, मुझे कल दोपहर से ही मुझे घर में बंधक बना के मेरे मकान मालिक ने रखा है। घर के ग्रिल में ताला बंद कर दिया गया है। आखिर मामला क्या है, हम आपको बताते हैं। मकान मालिक का कहना है कि मेरे यहाँ जो किराएदार पूजा शर्मा हैं, उनके ऊपर 1,81,000 रुपया किराया बाकी है। साथ ही कहा कि मुझे मेरा जो किराया बाकी है, जब तक वह नहीं मिलेगा हम नहीं जाने देंगे। साथ ही मकान मालिक ने कहा कि मैंने इस ग्रिल में ताला बंद नहीं किया है और ना ही अपने किराएदार को मकान में कैद किया है। आइए सुनते हैं एक दूसरे की जुबानी। ताला हम नहीं लगाए हैं, हमारा पैसा बाकी है, हम पैसा मांगे हैं, पैसा नहीं मिला, हम कह के सामान नहीं जाए, हमारा पैसा दे दीजिए, आप सामान ले जाइए, बस बात। आपने ताला नहीं लगाया ना, एकदम ना। अगला का कहना है, कसम क्रिया खाना है तहाँ वो भी खाए, हम भी खाते हैं, हिंदू है ना, चले ठाकुरबाड़ी में। क्या नाम हो गया चाचा आपका? राम स्वरूप शर्मा।